Hello everyone and welcome to my channel Foodie Crush. As you all know, festival season has already started. तो क्यों ना आज कुछ मीठा ट्राई किया जाए. तो आज हम बनाएंगे लौकी की खीर, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और साथ में ये बहुत हेल्दी भी है. So let's see what I will use to make it. तो सबसे पहले हमें लेना है लौकी, जिसे मैंने ऑलरेडी वॉश करके पील ऑफ करके ग्रेट कर ली है. ये ग्रेट करने के बाद एटलीस्ट 250 ग्राम है. खीर के लिए हम लेंगे 1.5 लीटर फुल फैट बॉइल्ड मिल्क, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप ड्राइड रोज पेटल्स, बादाम, काजू, 1/4 कप शुद्ध देसी घी, 1.5 कप ऑफ सुगर, 1 टेबल स्पून पिस्ता एंड 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर. तो इसे बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे 1 टेबल स्पून घी, और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड लौकी, और इसे मीडियम हाई फ्लेम में कंटिन्यूसली स्टर करते हुए सौते कर लेंगे. आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होने लगा है और ये सॉफ्ट हो गई है. अब हम इसमें ऐड करेंगे फुल फैट बॉइल्ड मिल्क. यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे खोवा यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने दूध की क्वांटिटी ज्यादा रखी है. यदि आप खोवा यूज कर रहे हैं तो मिल्क 1 लीटर ही लें. अब हमें इसे एटलीस्ट 15 मिनट के लिए पकाना है. ध्यान रहे कि बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, ताकि ये नीचे से पैन में स्टिक ना हो. आप देख सकते हैं कि इसमें बॉईल आ चुका है और मिल्क भी रिड्यूस होने लगा है. अब आप देख सकते हैं कि इसमें लौकी अच्छे से पक चुकी है. तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर और कुछ ड्राइड रोज पेटल्स. इसे ऐड करने से खीर में बहुत ही अच्छा नेचुरल रोज का फ्लेवर आ जाता है, तो इसे स्किप ना करें. एक बार हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स. और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर. शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं. जब तक खीर बॉईल हो रही है, तब तक हम एक साइड एक छोटे से पैन में 1/2 टेबल स्पून घी लेंगे और उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे. ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट्स बर्न ना हो, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम में आपको ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करना है. आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, बट रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से खीर में इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है. ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं. अब हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे खीर में. रोस्टेड बादाम, रोस्टेड काजू, किशमिश और पिस्ता. अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम लो फ्लेम में खीर को 10 मिनट के लिए और पकने देंगे. आप देख सकते हैं कि मिल्क अच्छे से रिड्यूस हो चुका और खीर गाढ़ी हो चुकी है. तो अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ. यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज एसेंस. ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इसको ऐड करने से खीर का टेस्ट और भी अच्छा आता है. तो आप देख सकते हैं कि खीर बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है. इसे आप गरम और ठंडी दोनों टाइप से खा सकते हैं. तो इस नवरात्रि के सीजन में लौकी की खीर की रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें. एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.